हाय एवरीबॉडी, मैं विष्णुदेव तिवारी। 2024 आज 3rd of January है और एक इम्पोर्टेंट मैसेज जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं देना चाहता हूँ। देखो, डेट आपके सामने नज़दीक आ रही है। नीट 2024 का एग्जाम 5th of May को है। नया वर्ष आ चुका है, हमें क्या करना है? हम मिड सेशन में हैं, बीच मझधार में है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मझधार, क्योंकि कुछ कविता की लाइनें हैं जो आपको बहुत इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। और फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस समय जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं आप स्ट्रेस में रहते हैं। तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूं, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना भी तो मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम बीच में हैं, मझधार में हैं। थककर हार गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है वो देखो। मंजिल मतलब 5th of May नीट का एग्जाम। थककर हार गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है वो देखो। पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। तो बेटा मैसेज बहुत क्लियर है, आखिरी समय की स्ट्रेटेजी और आखिरी समय में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले जो आप प्रैक्टिस करते हैं 15 से 20 दिनों के अंदर, अगर आपने खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन कि कंसर्न टॉपिक्स को हमने कितनी बार एनसीईआरटी से पढ़ा, जवाब आना चाहिए 3 to 5 times। दूसरा क्वेश्चन, पॉजिटिव जवाब आने के बाद दूसरा क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है यानी फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री, उसको हमने टीचर्स के कॉपी और नोट्स से रफ कॉपी में कितनी बार प्रैक्टिस किया, इसका जवाब आना चाहिए 3 to 5 times। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, पिछले 10 से 15 सालों के आए हुए क्वेश्चन नीट के कितनी बार प्रैक्टिस किया या याद किया, तीनों का जवाब यस आएगा 3 to 5 times। तो बेटा आपके नंबर आएंगे 600+, आप सेफ जोन में होंगे। और उसके बाद जितनी भी गलतियां इन एग्जाम्स में आप दे रहे हो, प्रैक्टिस पेपर में आप कर रहे हो, उन गलतियों को, उन मिस्टेक को एक कॉपी में लिखो, उसके एनालिसिस करो। हम एक गलती करते हैं, गलती करने के बाद हम एनालिसिस नहीं करते। एग्जाम्स नजदीक आएगा, लास्ट 15 दिन, लास्ट 30 days से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है कि हम अपने मिस्टेक्स के एनालिसिस करें और उनको सीखें। देखिए, नए साल पे मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूं और ये फील करना है बेटा। देखो, न्यू ईयर है, नए उत्साह के साथ आपकी लाइफ, आपके जीवन का सबसे कमिटमेंट वाला ये साल हो। और इसके साथ एक मैसेज है, प्यार बिखेरना है तो विश्वास अटल दो, वक्त की आवाज है हालात बदल दो, कहीं गुमराह न होना सियासत की चाल में। बट आपके लिए सियासत वर्ड क्या है, पॉलिटिक्स क्या है? आज के डेट में आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, टाइम कम है, अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट जाता है, सिस्टमेटिक नहीं होता, अपने को रोकना है इस समय। देखो, जब नजदीक चीजें आती हैं तो हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स भी बहुत आते हैं। आपने सुना था विश्वामित्र की तपस्या किसी मेनका ने भंग की थी, इस समय मेनका के रूप में बहुत सारे हिंड्रेंस आपके सामने हैं। आने वाले समय में और भी प्रॉब्लम्स होंगी, अलर्ट रहो, किसी चक्कर में नहीं फंसना है। मैं फिर बोलता हूं, प्यार बिखेरना है तो विश्वास अटल दो, वक्त की आवाज है हालात बदल दो, कहीं गुमराह न होना सियासत की चाल में, नया इतिहास लिखना है हमें इसी साल में। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।